उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तेजी से राजस्थान पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपनी छवि को पुख्ता कर रही हैं। उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, यूएन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस और अब दो दिन में लगातार जापान और अमेरिका के राजदूत से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भारत में जापान के सिटी पैलेस इन दिनों राजस्थान के दूसरे देशों से राजनयिक संबंधों का एक बड़ा केंद्र बन गया है। शनिवार को जापान के राजदूत और रविवार को अमेरिका के राजदूत ने सिटी पैलेस का दौरा किया और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात भी की। भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी, राजनीतिक मामलों के मंत्री सेइचिरो तागुची सिटी पैलेस पहुँचे और दिया कुमारी के साथ मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान के पर्यटन, औद्योगिक निवेश और उद्योग व्यापार के असीम अवसरों को लेकर बातचीत हुई। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक ग्रासिटी ने अपने परिजनों के साथ सिटी पैलेस पहुंचे और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात की। दरअसल दो दिन में दो देशों के राजदूतों के सिटी पैलेस पहुंचने और मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले दिनों यूएनओ जनरल बॉडी के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस जयपुर आए और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी जयपुर की यात्रा की। इन्होंने भी दिया कुमारी से मुलाकात की और राजस्थान और जयपुर के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को लेकर चर्चा की गई। दरअसल दिया कुमारी राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर तेजी से उभर रही है। जयपुर पूर्व राज्य परिवार की प्रतिनिधि के बतौर केंद्र और राज्य सरकार उन्हें डिप्लोमेटिक फैंस के तौर पर आगे कर रही है। ऐसे में सिटी पैलेस भारत और राजस्थान के राजनयिक संबंधों का एक नया केंद्र बन सकता है। माना जा रहा है कि जापान, फ्रांस, अमेरिका धरोहर संरक्षण, पर्यावरण सुधार और तकनीक के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश भी कर सकते हैं और कुछ प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं जिनमें 100% वित्तीय भागीदारी इन देशों की ही होगी। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।